अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे लौकी से बहुत ही टेस्टी सब्जी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया लौकी, ये करीब 1 केजी का है। तो इसका हम पूरा नहीं बनाएंगे, इसको हम बीच में से कट कर लेंगे लौकी को। तो मैंने यहाँ पे आधा लौकी इस्तेमाल किया है। अब इसको क्या करेंगे, दूसरे वाला जो लौकी है इसको हम लेंगे और अल्मोनियम फॉइल लेंगे और इसको ऊपर से रैप कर देंगे। इस तरीके से क्या होता है कि आगे वाला जो हिस्सा है वो काला नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से आप रख दीजिए और दूसरा वाला जो है यहाँ पे आधा वाला इसको हम छील लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही टेस्टी बनने वाला है लौकी की सब्ज़ी और बनाना बहुत ही आसान है। तो मैंने यहाँ पर लौकी को छील लिया और धो करके लिया है। अब एक बोल में हम इसको इस तरीके से रफली चॉप कर लेंगे। तो इस तरीके से बीच में से कट कर लिए और इसको इस तरीके से आप रफली चॉप कर लीजिए। तो जैसे कि देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे सभी जो है लौकी को कट कर लिया है। अब हम मिलेंगे एक जार और जार में हम इस लौकी को डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे सभी लौकी को डाल दिया है। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे 2 बड़े प्याज को रफली चॉप कर लिया है, इसे भी हम डाल देंगे इसके अंदर। और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें, मैंने अदरक लहसुन और हरा मिर्च लिया है तो इसके अंदर हम डाल देंगे। तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने 6-7 ली है। और थोड़ा सा पानी यहाँ पर मैं डालूँगी और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे पीस लिया है इस तरीके से, जैसे कि देख रहे हैं। अब इसको हम बोल में हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम बोल में डालेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे। मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिया है बेसन, तो 1 कप मैंने बेसन डाला है इसके अंदर। हम बेसन डाल देंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे लिया है 1/2 टीस्पून काली मिर्च डाल देंगे इसके अंदर। इसके बाद हम डालेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। इसके बाद हम डाल देंगे थोड़ी सी इसके अंदर चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसको डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, जैसे कि देख रहे हैं मैंने अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लिया है। अब मिक्स करने के बाद हम इसको लेंगे और मैंने यहाँ पे लिया है, कोई सा भी बर्तन में आप डाल दीजिए इसको। मैंने यहाँ पे केक मोल्ड लिया है, इसके अंदर मैं डाल दूँगी। और इसको डालने के बाद अच्छे से हम इसमें डालेंगे और इसको हम, जैसे कि देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर अच्छे से फैला लिया है। और एक लेंगे कढ़ाई, इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। और पानी डालने के बाद इसके अंदर हम एक स्टैंड डाल देंगे। तो आप चाहे तो कोई कटोरी भी डाल सकते हैं, उसके ऊपर आप ये मोल्ड को डाल दीजिए। और डालने के बाद हम इसको ढक कर के करीब 10 से 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे रख देंगे। तो यहाँ पे मैं रख देती हूँ। अब चलिए चेक कर लेते हैं, 10 से 15 मिनट हो गया है, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो बैटर था लौकी का, वो अच्छे से यहाँ पे टाइट हो गया है। अब इसको निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के लिए आपको जल्दी बनाना है तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं ठंडा करने के लिए। तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे, किनारे से हम निकाल लेंगे और इसको हम पीस पीस में कट कर लेंगे। तो आप कोई सा भी अपने पसंद का शेप में इसको कट कर सकते हैं या फिर ट्रायंगल में भी काट सकते हैं इसको। इसके बाद हम इसका पीस ठंडा हो गया है तो निकाल लेते हैं। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही आराम से निकल जाता है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल करके साइड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप सब मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मुझे कमेंट भी करिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। जैसे कि देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे सभी पीसेस को इस तरीके से यहाँ पे निकाल लिया है, बहुत ही आराम से निकल गया है। अब चलिए इसको साइड करेंगे और इसके लिए हम ग्रेवी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर हम डाल देंगे तेल। तो तेल मैंने 3 से 4 चम्मच ली है। इसको हल्का सा गर्म करेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे
मिलाते टाइम गैस का फ्लेम जो है वो हम लो रखेंगे ताकि दही जो है फटे नहीं। अच्छे से इसको मिला लेंगे और मिलाने के बाद हम इसको ढक कर के रख देंगे ताकि अच्छे से जो दही है अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं अच्छे से यहाँ पे मसाला के अंदर दही जो है अच्छे से यहाँ पे भुन गया है, अच्छे से मसाला सभी अच्छे से भुन गया है, देख सकते हैं खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी जब मैंने ये मसाला भून रही थी तब। तो यहाँ पे जैसे भुनने के बाद आप इसके अंदर डाल देंगे ग्रेवी के लिए पानी, तो जितना आपको ग्रेवी रखनी है उतने अपने हिसाब से डाल दें। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कप के करीब पानी डाला है ग्रेवी के लिए। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है इसे डाल देंगे। इसके बाद आप डाल देंगे इसके अंदर गरम मसाला पाउडर, अगर नहीं है आपके पास तो आप बिना इसके भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है वैसे घर में, हर किसी के घर में रहता ही है ये। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा इसको हम ढक करके रख देंगे एक उबाल आने तक। चलिए एक उबाल आने देते हैं। जैसे कि देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एक उबाल आ चुका है। अब इसको हम ढक्कन खोलेंगे। ढक्कन खोलने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़े से नमक, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही डाला था जब हमने टमाटर डाला था उसी वक्त डाला था नमक। तो अब इसमें नमक डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो आप चेक करके नमक डालें, आपको लगे कि डालना है तो डाल दीजिए। अब यहाँ पे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर हम डाल देंगे लौकी का पीस डालेंगे इसके अंदर। तो एक एक करके सभी लौकी के पीस को हम डाल देंगे और डालने के बाद हम इसको करीब बस 1 मिनट के लिए हम इसको उबालेंगे। वैसे लौकी तो हमारा गल चुका है और बस इसमें हम ग्रेवी के अंदर हम 1 मिनट के लिए डाल देंगे ताकि अच्छे से इसका जो ग्रेवी है लौकी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। 1 मिनट के बाद हमारा यहाँ पे लौकी की सब्जी बनकर रेडी हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसके बाद हम इसे एक प्लेट में गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ट्राई करिए, आप लोगों को बेहद पसंद आने वाली है। और यहाँ पे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और इसे थोड़ी सी धनिया पत्ता से आप इसको गार्निश कर लीजिए और इसको सर्व करिए। तो बहुत पसंद आने वाली है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। पसंद आता है मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कॉमेंट करिएगा आपकी रेसिपी कैसी लगी। तो मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में।